धूम के बायस कश्मोर में गुडू थर्मल पावर प्लांट के 3 यूनिट ट्रिप कर गए। 747 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ समेत कई इजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सर्दी जोबन पर आ गई। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू का टेम्परेचर -8, गोप्स का -7, अस्तूर कालाम का -4, मालम जब्बा कल्लात का -3, पाराचिनार मरी रावलाकोट कोयटा का -2 तक गिर गया। कराची में सर्दी की शिदत कम होना शुरू हो गई। दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लोधरा में ट्रालर मुसाफिर वैन समेत 6 गाड़ियां धुंध में टकरा गई। 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए अमरीकी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। 2 बरसों से जारी पाक अमरीका तालुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान से अच्छे तालुकात चाहते हैं। नई पाकिस्तानी क्यादत से जल्द मिलने की ख्वाहिश का इजहार। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जमहूरियत होगी तभी पाकिस्तान आगे चलेगा। इलेक्शन से तब्दीली ही आती है। फौज का इसमें कोई हाथ नहीं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं सिर्फ बातों से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। जंग की धमकियों से मसले हल नहीं होते। जंग की बात भारत और अमन की बात हमेशा पाकिस्तान ने की। मुजाकरात से राहे फरार हमेशा भारत ने किया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज 2 रोजा दौरे पर तुर्की जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर खाजा शाह महमूद कुरैशी खुसरो बख्तियार और अब्दुल रजाक दाऊद भी साथ होंगे। सबक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन। मरीम नवाज परवेज मलिक मुश्तबा शुजाउर रहमान सुहेल जिया भट्ट और दीगर रहनुमा कोर्ट लखपत जेल में सबक वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट के करीब फायरिंग। पेशी के लिए आने वाला शख्स मोहम्मद जाहिद जख्मी अस्पताल पहुंचा दिया गया। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद मलीर जेल में सर्च ऑपरेशन का फैसला। कलदम तंजीमों के टारगेट किलर्स और सियासी कैदियों से पूछगछ की जाएगी। और शाहीनों का आज है दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज होंगे आमने सामने। हारिस सुहेल घुटने की तकलीफ का शिकार दौरे से आउट। फवाद आलम या उस्मान इब्राहिम की शमूलियत का इम्कान।